कोरोना काल में भी ऐसी दुर्लभ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिन्हें देखकर मन खुश हो जाए। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि हम आपको किसी हिल स्टेशन पर ले आए हैं और हम पहाड़ों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर सच कुछ और है। ये तस्वीरें आई हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां कोरोना काल ने प्रकृति को आम लोगों के इतने नजदीक कर दिया है कि अब मैदानी इलाकों में भी लोगों को अपनी छत से हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पंजाब के जालंधर से भी ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई थीं। तब जालंधर से भी कई सौ किलोमीटर दूर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं साफ साफ नजर आने लगी थीं और लोगों ने ऐसी ही तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली थी। अब आपको प्रदूषण मुक्त गंगा की अविरल धारा के दर्शन करवाते हैं। आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन ये गंगा नदी की तस्वीरें हैं। ये वही गंगा है जिसको साफ करने के लिए अब तक हजारों करोड़ का बजट खर्च हो चुका है, न जाने कितनी योजनाएं बनाई गईं, लेकिन अफसोस जो कोई नहीं कर पाया वो इस लॉकडाउन ने करके दिखा दिया। हरिद्वार के साधु संतों का यह कहना है कि गंगा जितनी साफ आज नजर आ रही है, उतनी साफ गंगा 60 से 70 साल पहले हुआ करती थी। साफ है कि हरिद्वार के लोग साफ गंगा को देखकर खुश हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि गंगा का यह पानी अब कुछ ट्रीटमेंट के बाद पीने के लायक भी हो गया है। प्रोफेसर हो या फिर जिले के अफसर, सभी का यह मानना है कि लॉकडाउन ने पवित्र गंगा में नई जान फूंक दी है। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में गंगा का जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन गंगा सप्तमी पर्व पहले जहां हजारों श्रद्धालुओं के साथ मनाई जाती थी, इस बार यह आयोजन सादगी भरा रहा। मैदानी इलाकों में भी जो गंगा जल पहले आचमन के लायक नहीं था, वो अब पारदर्शी दिख रहा है। मतलब लॉकडाउन में प्रदूषण का स्तर इतना कम हुआ कि नदियां सांस लेने लगी, पानी स्वच्छ हो गया।